की अनिवार्यता अकेली पंचायत में नहीं, हर जनप्रतिनिधि के लिए जरूरी है, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद सदस्य हो, पंचायत का सदस्य हो, चाहे वार्ड पंच हो, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा के बगैर कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की सेवा नहीं कर सकता। पंचायतों के अंदर जो शिक्षित वर्ग को लेकर के वार्ड पंच और सरपंच, जिला परिषद सदस्य और बीडीसी, इनके जो शिक्षा से संबंधित टेंथ और एट्थ की जो क्वालिफिकेशन लगाई थी वो अच्छी थी, लेकिन इसमें भी क्वालिफिकेशन का ध्यान नहीं रखा गया, अब उनको हटा दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक चीज है। अब इनकी जो शिक्षा है ना, मैं मानता हूं कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट आदमी नहीं है तो वो इस काम जो पंचायतों के काम है उनमें अपना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अशिक्षित तो काम करेगा कहाँ से? अशिक्षितता इसमें बहुत ही गलत चीज लेकर के आए हैं, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। कम से कम ग्रेजुएट आदमी ही पंचायतों के काम कर सकता है, अन्यथा किसी आदमी के, अनपढ़ आदमी की तो समझ में नहीं आएगा ये काम कैसे करना है, कहाँ करवाना है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये शिक्षा हटा करके बहुत ही नुकसान किया। पंचायतों में जो वार्ड पंच है, सरपंच है, इनकी निश्चित रूप से योग्यता होनी चाहिए। कम से कम 10वीं पास हो, अगर विशेषकर बीए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षा जरूरी है, और अगर अंगूठा छाप है तो इससे दिक्कत है। लोग काम करते हैं, खुद स्वयं काम नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। पंचायत में शिक्षा अनिवार्य जो पहले था वो होना चाहिए। ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो शिक्षित होना जरूरी है या नहीं, इस विषय पर काफी बहस चल रही है आजकल। ये देखिए, समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है किसी भी प्रतिनिधि के, और शिक्षा के साथ अगर बात करें ग्राम पंचायत के जो निकाय या शहरी निकाय जो चीज है, पंचायती राज की बात करें, तो उसमें शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुभव ग्राम पंचायत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अनुभवी आदमी है, उसको पता है ये रास्ते किस प्रकार से हैं, इन रास्तों का सुधार कैसे करना चाहिए, समाज को एकजुट करके गांव के विकास की तरफ कैसे ले जाना चाहिए, ये सब चीजें अनुभव से भी आती हैं। बाकी पंचायती राज हो या कोई भी राज हो, शिक्षा तो हर जगह ही अच्छी बात है, शिक्षित होना अच्छी बात है। आजकल शिक्षित लगभग, मतलब जो शिक्षा की व्यवस्था है इसमें पंचायती राज में, वो शिक्षा तक तो लगभग शिक्षित है ही। हाँ, हालांकि कुछ अनुभवी लोग थे वो वंचित भी थे, उस समय इतनी शिक्षा की व्यवस्था थी नहीं, वो पढ़ाई कर नहीं पाए, तो वो लोग जो हैं वो अनुभव उनके पास अच्छा है, गांव में समाज सेवा भी अच्छे करते हैं, लेकिन शिक्षा की वजह से वो वंचित रहे ये भी जरूरी नहीं। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि शिक्षा की अनिवार्यता इतनी ज्यादा नहीं है पंचायती राज में। आजकल हर लगभग शिक्षित ही है, आप सरपंच देखें या वार्ड मेंबर देखें या वार्ड पार्षद देखें, तो 10वीं 12वीं तो लगभग शिक्षित हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक। हालांकि कुछ अनुभवी लोग जो पुराने हैं वो शिक्षित 8वीं तक हैं या कम शिक्षा है, लेकिन उनके पास अनुभव अच्छा है, तो उनके अनुभव का फायदा पंचायती राज में दिया जाए। इन दोनों चीजों को मिला के शिक्षित तो है, और ये कोई जरूरी भी नहीं है। जब आप विधायक बना रहे हो, सांसद बना रहे हो, तो उसमें शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है, तो पंचायती राज में इसका लगाने का कोई औचित्य नहीं है मेरे विचार से।